बहुत शुक्रिया। क्या मतलब? लोगों ने इस कमरे को हाईवे बना रखा है। दौड़ते हुए आते और भागते हुए चले जाते वो भी खिड़की से। वैसे भी इस होटल में अब वो बात रही नहीं है। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन क्या करूँ, आप कोई नई स्कीम ही नहीं बनाते। वो रामकोट वाले किस्से को कितने दिन हो गए? कौन से? वही रामकोट वाला जिसे नकली हीरा बेचा था। उसके बाद तो आपने कुछ। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अभी तो मैं एक फ्रेश आइडिया लेकर आया हूँ। ये देखो, कौन है लड़की? तारा जयसिंह, मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट दिनेश जयसिंह की इकलौती बेटी। दिनेश जयसिंह जब तक जिंदा रहा करोड़ों रुपया पायजों के अस्पतालों को चंदे में देता रहा। अभी तारा जयसिंह उसी के करोड़ों के बिजनेस की अकेली वारिस है। बड़ी प्यारी बच्ची है। इस इंटरव्यू से ये भी कहा है कि वो भी अपने पूज्य पिताजी की तरह पायजों को चंदा देती रहेगी। आइडिया है? आइडिया है। मेरी जवानी के जमाने का एक मशहूर गीत है, शायद सुना हो। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी पहाड़ों की मंजिल। इस इंटरव्यू से ये भी बताया है कि वो हर साल इसी महीने टीकमगढ़ हॉलिडे रिजॉर्ट में आराम करने जाती है। आइडिया है? आइडिया है। तो कब जाना है टीकमगढ़? कल, मगर पहले यहाँ से तो चलो। मैं अभी 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। ओके। हेलो, माफी चाहता हूँ कि मेरी वजह से लोगों ने आपके मेकअप रूम को हाईवे बना दिया। एनीवे, मेरे लिए फैसला करना मुश्किल है कि आप ज्यादा अच्छा गाती हैं या नाचती हैं, या आपकी खूबसूरती इन दोनों खूबियों से भी ज्यादा है। लवली, ये शाम मुझे याद रहेगी। क्या मैं आपकी खिड़की यूज कर सकता हूँ? थैंक यू। और हाँ, तारा जयसिंह वाला आइडिया सचमुच बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक। भाई अरुण, मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? किसी तरह भी ना कीजिए सिन्हा साहब, मैं जो भी कमाता हूँ उसका एक हिस्सा इस अनाथाश्रम को देना अपना फर्ज समझता हूँ। आखिर बरसों रहा हूँ। बरसों तो यहाँ बहुत से लड़के रहे, लेकिन बाद में कौन याद करता है। कुछ ही ऐसे लड़के होते हैं जैसे कि तुम। ये देखो, तुम जैसे लड़कों की मैंने यहाँ तस्वीरें लगा रखी हैं। आज तुम बहुत तरक्की कर गए हो, जैसा कि तुम बताते हो कि तुम्हारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अच्छा सिन्हा साहब, मैं चलता हूँ। भाई कुछ चाय वाय तो पी के जाओ। अगली बार सर, असल में कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तैयारी करनी है। ठीक है ठीक है, अगर डॉक्टर साहब आ जाए तो कह देना मेरा फोन था। मैं शारदा बोल रही हूँ। जी हाँ, शारदा। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ। वो कहाँ रखे हैं? वो क्या? वो क्या कहते हैं उसे, वो मेरे लॉन्ड्री के कपड़े, वो कहाँ हैं? ये सामने क्या है? कपड़े। आँखें के बटन? बटन। अच्छा, आप कितने दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं? बस दुआ करो माँ, जिस काम के लिए जा रही हूँ जल्दी खत्म हो जाए। मुझे तो तेरे और तेरे अंकल के काम ही समझ में नहीं आया आज तक। अरे माँ, जिस दिन हमारे काम दूसरों के समझ में आने लगे ना, हमारे तो काम ही बंद हो जाएंगे। उसी की बेटी का था तो पार्टनरशिप संकेत तक बंद कर दिए गए हैं, किंतु उड़ान में बेटी बांधे रखा है। धन्यवाद। बैठ सकती हूँ? Sure.
I'm fine, Seema. Oh, God! आपको तो मेरा नाम भी याद है. एक बार फिर से लो ना मेरा नाम. Seema. अपना नाम अच्छा लगने लगा मुझे. चुप पागल. ऐसी क्या खास बात है मुझमें? मेरा मतलब, तुम लड़कियां इस तरह मुझ पर पागल क्यों हो जाती हो? जरा खुलकर बताओ. आपको देखकर ऐसा लगता है कि सपनों ने इंसान का रूप ले लिया है. कैसी बातें कर रही हो बावली? कुछ नहीं हूं मैं. आप क्या जानो, आप क्या है? यकीन करना चाहती हूँ कि आप सच मुझे हैं. आपको छूके देख लूं? अब इस हाथ को अपने हाथों में लेकर कुछ कहना चाहती हूँ आपसे. कहो. कैसे कहूँ कि ये सब सुन रही हैं हमारी बातें? You're right. चलो बाहर चलते हैं. वॉकिंग की वॉकिंग हो जाएगी और टॉकिंग की टॉकिंग हो जाएगी. कम. नमस्कार. नमस्कार. हम जरा घूम कर आते हैं. प्लीज ओपन द डोर. ये कौन सी जगह है मेरे अनजान मुसाफिर? ये बादल नगर. बादल नगर? हाँ, ये कॉलोनी अभी नई बनी है. बादल नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी. मैं यही रहता हूँ. कहाँ? यहाँ कहाँ? वो सामने तीन बड़े बादल छोड़ के एक छोटा बादल है. वहीं से लेफ्ट टर्न ले लेना. बहुत सिंपल एड्रेस है. तीन बड़े बादल छोड़ के एक छोटा बादल और फिर लेफ्ट टर्न. आगे एक पानी से भरा हुआ काला बादल मिलेगा. ठीक एग्जैक्टली उसके सामने मेरा घर है. मॉनसून विला. मॉनसून विला? मुसाफिर, तुमसे एक बात कहूँ. कहो सीमा, कहो. कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले और धूम्रपान न करे. कुछ ही समय बाद हमारा विमान टिकमगढ़ हवाई अड्डे पर उतरेगा. धन्यवाद. योर अटेंशन प्लीज. योर रिक्वेस्टेड टू फास्टन योर सीट बेल्ट. थैंक यू.